स्मार्ट चार्ट, चपाती चार्ट से संबंधित मिथ्या धारणा। आज हम सीखेंगे चपाती चार्ट से संबंधित कुछ मिथ्या धारणाएं। कभी कभी हम गणना करते समय एक चौथाई और तीन चौथाई को समान मान लेते हैं। क्या यह हमारी उचित धारणा है? पहले मुझे यह बताओ कि एक पाव आलू ज्यादा होता है कि तीन पाव आलू? तीन पाव। ठीक उत्तर। आपको पता है हम एक पाव को एक बटा चार भी लिख सकते हैं? हाँ डॉक्टर चाचा। तो क्या तुम बता सकते हो कि हम तीन पाव को कैसे लिख सकते हैं? तीन बटा चार, क्या ये सही है? एकदम सही। अब इन चार एक ही आकार की लकड़ियों को देखिए। इनको अगर इस तरह से लगाया जाए तो क्या इन चार लकड़ियों के संबंध में इनके भिन्न अंक का अनुमान लगा सकते हो? यह है एक बटा चार। यह है तीन बटा चार। यह है दो बटा चार, जिसको हम आधा भी कहते हैं। क्या यह चार बटा चार है? हाँ, मतलब एक पूर्ण। अब आप समझ ही गए होंगे कि एक बटा चार माने एक चौथाई, तीन बटा चार मतलब तीन चौथाई से कम है। सही समझे। अब चलो कुछ और उदाहरण से इस भ्रम को दूर करते हैं। बिमला और चंदू के पिताजी ने टॉफीज का एक पैकेट खरीदा। उसमें 40 टॉफियां हैं। अब इस चपाती चार्ट को देख के बताओ कि बच्चों ने कितनी टॉफियां खा ली हैं। उन्होंने एक बटा चार मतलब एक चौथाई टॉफियां खा ली हैं। तो 40 का एक चौथाई हुआ 10, तो बच्चों ने 10 टॉफियां खाई हैं। अभी और कितनी टॉफियां बाकी हैं? 3/4 यानी 30 टॉफियां। शाबाश। आज स्कूल आते आते बच्चे बारिश में भीग गए, तो अब बताओ कि आधे से ज्यादा बच्चे भीगे थे या नहीं? आधे से ज्यादा बच्चे भीगे थे डॉक्टर चाचा, 3/4 बच्चे भीग गए थे। शाबाश। आज हमने सीखा चपाती चार्ट से संबंधित कुछ मिथ्या धारणाएं।